मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस सभी जगह से आया है। तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों पे देना है। सभी भाई टोलों पे पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराएं, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांग है। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी है। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस सभी जगह से आया है। तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों पे देना है। सभी भाई टोलों पे पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराएं, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांग है। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी है। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस सभी जगह से आया है। तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों पे देना है।
सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराएं। रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे। वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है, सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराएं। रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे। वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है, सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि
9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराए, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें। और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है, सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराए, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें। और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है, सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराए, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो
कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो डेढ़ गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये तीन मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें, और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है, और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसी मैंने दो दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है, सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं, और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराए, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ तीन मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं, उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो डेढ़ गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये तीन मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें, और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है, और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसी मैंने दो दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है, सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं, और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराए, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ तीन मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं, उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो डेढ़ गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है,
और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये तीन मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे। वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें, और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है, और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों जैसी मैंने दो दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है। सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं, और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराए। रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ तीन मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये तीन मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे। वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें, और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है, और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों जैसी मैंने दो दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है। सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं, और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराए। रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ तीन मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये तीन मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन
हमने देना है ज्ञापन, हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है, सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराए, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं, उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी है। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है, सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराए, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं, उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी है। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी
इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है, सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराएं, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं, उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं, तो ये मांगे। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी है। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आया है, तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रूपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है, सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराएं, रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं, उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं, तो ये मांगे। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी है। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे, वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार।
साथियों जैसी मैंने दो दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस सभी जगह से आया है। तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है। सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराएं। रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो है वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं, अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांग है। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से, जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन हमने देना है, ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे। वो आप जो है अपने लेटर पैड पे निकलवा लें और अपने लेटर पैड पे निकलवा के एक जो बोनस का ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम है और जो टोलों का ज्ञापन है वो परिवहन मंत्री के नाम है। तो कृपया सभी इस बात का ध्यान करें और उसका ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र प्यारों को अभी से उसकी तैयारी कर दें। 9 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक अधिकारी को ही बुलाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस सभी जगह से आया है। तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है। सभी भाई टोलों में